हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अनमोल नहीं, आप देख रहे हैं पबजी मोबाइल विद ए एन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पबजी मोबाइल के एक सीक्रेट टापू जिसको आप आइलैंड कहते हैं, वहां पे हम जाने वाले हैं। तो आप देखते जाइए आगे आगे क्या। लेकिन गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना नए बंदे, और साथ में कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। तो नए बंदे ज़रूर लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम जा रहे हैं स्पॉन आइलैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2x स्पीड कर दी हुई है गेम की, क्योंकि 16 मिनट की गेम बन रही थी तो 8 मिनट में, 8.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी वीडियो। तो देखते जाइए अब हम जा रहे हैं। तो मेरे को पहले पता ही नहीं था, मैंने 3-4 बार ट्राई की वीडियो बनाने की, फिर मुझे पता ही नहीं था बोर्ड कहाँ मिलती है, तो मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने बार बार वीडियो बनाई, तो अब जाके मेरे को मौका मिला बनाने का। 3 दिन पहले रिकॉर्ड कर बैठा हूँ, पर कभी मौका नहीं मिला बनाने का। तो आज एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आज ही वीडियो डाल दूँगा। तो देखिए हम जा रहे हैं बाइक से, हमें बाइक मिल चुकी है, पर बाइक का टायर ख़राब हो चुका है पता नहीं कैसे। तो हम इसे बाइक को छोड़ेंगे और साथ में ऊपर गाड़ी बड़ी है, गाड़ी के पास जाएंगे। तो गाड़ी हमने जैसे ही उठाएंगे तो गाड़ी से चल पड़ेंगे और बूस्ट पे गाड़ी चलाएंगे हम। आप बूस्ट पे देखिए, हमने गाड़ी लगा दी हुई है और साथ में गाड़ी हमारी चढ़ रही है। तो ये देखिए, हमें अभी तक पता नहीं है कि हमें कहाँ पे मतलब बोट मिलेगी, तो मुझे बाद में पता लगा। मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से क्या किया कि गाड़ी को मोड़ दिया और दूसरे डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी 3-4 बार आ चुका था, पर मेरे को ये इस साइड नहीं मिली थी। मैंने यहीं पर कहीं मार्क लगाया हुआ था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था कि यहाँ पर मिलती है, तो मैं यहाँ पर चला गया। फिर मैंने आगे की तरफ देखा कि मेरे को एक बोट मिल चुकी है, तो वहाँ पर बोट की तरफ चले गया। मैंने उतरा गाड़ी से और मैंने बोट पकड़ी और चल पड़ा आइलैंड की तरफ। वहाँ पे आइलैंड में मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा लूट मिलती है, आज मैं खुद एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये वही आइलैंड है जहाँ पे हमें पहले उतारा जाता है, प्लेन से उठाने से पहले इसी आइलैंड में हमें उतारा जाता है और यहीं से हमें उठाया जाता है। तो ये आइलैंड सबसे पहले यहीं पर आया, फिर उसके बाद आगे जाके चला। तो इस आइलैंड में बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, सर्कल पहले श्रिंक हो जाता है। तो मेरा सर्कल काफ़ी दूर बना था, तब भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, और मेरे साथ लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आप मान नहीं सकते क्या हुआ। वो वीडियो लास्ट में देखते हैं, पता लगेगा आपको, काफ़ी फनी चीज़ हुई मेरे साथ। तो देखिए हम पहुंच गए हैं अपने आइलैंड में। तो इस आइलैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा लूट मिलेगी, मैं इसको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ आइलैंड को, पर मैं पहली बार आया हूँ इधर, पर मैंने कभी कोशिश नहीं की आने की। तो यहाँ पे हम आगे पीछे ढूंढेंगे, वहाँ पे सामने बिल्डिंग पे मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा लूट मिलती है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे जाके। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे उस बिल्डिंग में, तो हम सबसे पहले इस बिल्डिंग में बढ़ेंगे। हम इधर चले गए, हमें मिल गया ग्रेनेड, मिल गया स्मोक ग्रेनेड। तो हमें देखिए आते ही शॉट गन मिल गई और हेल्थ पैक मिल गया, यहाँ पे देखिए बैग मिल गया, बैंडेजेस भी आते ही मिल गई। उसके बाद हमने अब बैग भी मिल गया लेवल 3 का, जो मैक्स है, क्या बात है, मैक्स यहाँ पे हमें माल मिलता है मैंने सुना है। तो देखिए हम जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चढ़ गए, और यहाँ से हमने इस बिल्डिंग में कर दिया कदम। यहाँ पे देखिए हमें मिनी 14 मिल चुकी है, ग्रेनेड, फ्रैग ग्रेनेड मिल चुका है, तो हमें कितना कुछ मिल रहा है हमें देखते जाइए। तो आपको यहाँ पे सभी कुछ मिल जाएगा, SKS भी मिल चुकी है हमें। और देखिए सर्कल आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी लेट पहुँचा गाइड ढूंढते ढूंढते, तो सर्कल आ गया, पर पहला सर्कल डैमेज नहीं करता, दूसरा भी नहीं करता इतना। तो कोई बात नहीं, चलो हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है अपनी मेडिक को बचाने के लिए। तो हम आराम से आ सकते हैं, देखिए हमें पेन किलर कितना कुछ मिल चुका है, तो हम आराम से इस आइलैंड में ढूंढ सकते हैं सब कुछ एक्सप्लोर। जब तक आप वापस जाओगे तब तक तो 20 बंदे कोई रह जाएंगे, क्योंकि ये है ही ऐसी है, ऐसा ही लड़ा है, बाकी बंदे बड़ी जल्दी मर जाते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से लूट करके जाके उनको लास्ट में जाके गेम जीत सकते हो और चिकन डिनर कर सकते हो। तो देखिए आपको हम यहाँ पर जाएँगे अब, तो यहाँ पर अब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, मैंने वहाँ पर भी सुना है कि लूट मिलती है। तो नीचे वाला एरिया तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूट मिलती है मैंने सुना है। तो चलिए लेट्स फाउंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्कारल मिल चुकी है, पर हमने स्कारल नहीं उठाई, पहले से हमारे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा स्कारल मिल चुकी है, और यहाँ पे आगे जाके हमें लेवल 3 का बैग मिल चुका है।
और हम यहाँ से बाहर निकल चुके क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था कुछ भी, तो हम ऊपर गए, तो ऊपर वाले इलाके में हमें कुछ उम्मीद है कि स्टार्स है अच्छी मिलेगी। नीचे स्कारल मिल रही थी काफ़ी। आप पूरी टीम को लेके यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार आके देख लेना। तो यहाँ पे देखिए हमें कितना कुछ मिल रहा है, और हम नीचे को आ रहे हैं आप, क्योंकि ये हमने बिल्डिंग खाली कर दी। और मैंने यहाँ पे भी सुना है जहाँ पे हम उतरते हैं पहले, यहाँ पे भी काफ़ी लूट मिलती है। और चलिए यहाँ पे ही चलते हैं, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे गुफा है, उस गुफा में जाएंगे हम। पहले आगे पीछे ढूंढ रहा हूँ, देखिए आप गुफा में जाएंगे हम, यहाँ पे गुफा में भी लूट मिलती है। तो गुफा में देखिए हमें डीपी मिल चुकी है, तो डीपी हमने उठा ली जल्दी से जल्दी, और आगे चलते गए तो लेवल 1 का बैकपैक भी मिला। फ्रैग ग्रेनेड्स मिलते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और उधर ऊपर भी गया मैंने, हर एक चीज़ एक्सप्लोर की है गाइस आपके लिए, यहाँ पे हर एक चीज़ ढूंढी है मैंने, कहाँ कहाँ लूट मिलती है। यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें, हर एक जगह गया था, देखिए हम कुछ नहीं मिला। तो अब हम जाएंगे दूसरी वाली तरफ, देखिए हम इस प्लेन में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा आई थिंक, मैंने पर सब कुछ एक्सप्लोर करके रखा है आपके लिए। और एक देखिए वो आगे है टनल, हम उस टनल में भी जाएंगे अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जाके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे। तो हम जल्दी से जल्दी जा रहे हैं, तो देखिए हम चल गए उसके अंदर, अब देखते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं। छोटी सी है ये टनल, शेल्टर की जितनी नहीं है, पर यहाँ पे है ज़्यादा लूट नहीं है। यहाँ पे देखिए S1686 मिल गई है हमें शॉट गन, पर हमें नहीं उठाई क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। और अब हम बाहर आ रहे हैं, तो अब हमारी लूट हो चुकी है, हमें लेवल 3 का बैग पैक हेलमेट नहीं मिला। और साथ में वो लक पे डिपेंड करेगा कि आपको कभी गौर मिलेगा कभी गौर नहीं मिलेगा, या तो मेरे से कोई इलाका छूट गया होगा शायद, नहीं यहाँ पे आपको नहीं तो सब कुछ मिलता है। पूरी अब टीम को लाओगे तो लूट करो हर यहाँ पे आराम से, आपकी नहीं होगी हेल्थ ख़त्म, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। आपके पास इतनी मेडिक होगी तो आराम से ठीक करा सकते हो। मैं हेल्थ किट है, हेल्थ किट तो मैं आराम से अपनी कर रहा हूँ, कितनी ज़्यादा हेल्थ किट्स पड़ी हैं मेरे पास, मैं आराम से अपनी हेल्थ कर सकता हूँ ठीक। तो अब हम चलने की वाली बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि अब हो चुका है टाइम कि हम चल पड़ें, क्योंकि मैक्सिमम हमने लूट ले ली है पर सारी नहीं ली है, क्योंकि कोई इलाका हो सकता है कि रह गया उमर से। तो अब हम जा रहे हैं अपनी उसकी तरफ, बोर्ड की तरफ। तो जैसे ही हम अपने बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए हमारी बोट काफ़ी दूर लगी है हमसे, तो पर हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक। तो मुझे याद नहीं रही थी कहाँ है, फिर मैंने निशान देखा अपना ऊपर, तो हमें बोट मिल चुकी है, तो हम बोट की तरफ चल पड़े। जैसे हम बोट में बैठे तो मैंने देखा कि मेरी हेल्थ कम हो रही है, तो मैंने चलने वाली बात की, एक बैंडेज लगा दी, फिर दो लगा दी, मैंने सोचा कि अब फुल कर देता हूँ अपनी हेल्थ, तो मैं चल पड़ा। वो देखिए हम चलने वाले हैं, थोड़ी सी मैं हेल्थ बढ़ा रहा हूँ अपनी, मैंने फुल कर दी अपनी हेल्थ, और हम यहाँ से चल पड़े। देखिए अब हमने एक ड्रिंक भी पी ली है, तो अब मेरे पास मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच नहीं सकता था। मैंने लगाई थी बूस्ट में, अब मैंने मेरे को क्या पता था कि अब क्या करूं, तो मैंने लगा दी बूस्ट पे, तो ना मैंने कैन उठाया वहाँ से कोई बोतल का, आप उठा लेना, देखिए मेरी ख़त्म ही हो गई यहाँ पे, क्या मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरा पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म। ऐसी चीज़ हुई, अब मैं जा नहीं सकता वापस, तो मैंने गेम